हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि जानते हैं कि इन दिनों हम फिजिक्स में यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं, तो आज हम फिर इसी तरह से 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों से लाभ उठाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक प्रेरक से बहने वाली धारा I=4+12t द्वारा दी जाती है, जहां I एम्पियर में तथा t सेकंड में है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिलीवोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए, पहला स्वप्रेरकत्व, दूसरा t=1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा तथा इसको प्रदान की गई शक्ति। तो एक कुंडली है जिसमें ये धारा दी जा रही है और आप देख रहे हैं धारा I इज इक्वल टू 4+12t के अनुसार समय के साथ परिवर्तनशील है। तो अब इस धारा कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। तो हमको ज्ञात करना है कि इसका स्वप्रेरकत्व क्या है, यानी हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल E=, दिया गया है 12 मिली वोल्ट, और हमको ज्ञात करना है L=, क्या होगा। एक तो ये ज्ञात करना है कि स्वप्रेरकत्व कितना होगा, दूसरा ज्ञात करना है T=1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा तथा इसको प्रदान की गई शक्ति। ये संचित ऊर्जा E ज्ञात करना है और प्रदान की गई शक्ति P ज्ञात करना है। ये इतना ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E=LdIdt। तो इसमें हमको E दिया हुआ है, L पूछा गया है, और DI/dt हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाता है, DI/dt = ddt of E 4+12t। और इसको आप हल करेंगे तो आएगा DI/dt = 4 का 0 हो जाएगा और यह आएगा 12। तो हमारे पास DI/dt आ गया। L हमको ज्ञात करना है, तो DI/dt का मान और E का मान हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E है 12 मिली वोल्ट और L का मान पूछा गया है, DI/dt का मान 12 है। तो यहाँ से L = क्या हो जाएगा, 12 मिली वोल्ट बटा 12, 12 12 से कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा L = 1 मिली हेनरी। आगे पूछा गया T=1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, तो T=1 सेकंड पर I = क्या हो जाएगा, I = 4+12 और T की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो I = क्या हो गया हमारे सामने, I = 16 एम्पियर। और E का फार्मूला हम जानते हैं, E = ½ LI² होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ L की जगह हो जाएगा 1 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को आप हेनरी में बदलेंगे तो 10^-3 से गुणा कर देंगे, I² 16×16। I का स्क्वायर 16 एम्पियर, तो 16×16 हो गया। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये 2 से कटेगा 16, 8 बार में, तो 16×8 128 10^-3 जूल इसको कहेंगे, और या फिर कह देंगे 128 मिली जूल। ये आंसर दूसरा हो गया, T=1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। अगला, इसको शक्ति, कितनी शक्ति होगी, तो शक्ति P = क्या लिखते हैं, VI लिखते हैं। V की जगह हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट E का मान है 12 मिली वोल्ट, और मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे तो 10^-3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया V, और I क्या है, 16 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10^-3 वाट। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि L लंबाई की ताबे की एक क्षण B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के पर्यटक घूम रहा है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E = ½ ओमेगा
बी एल स्क्वायर होगा। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सवाल है, इसको हम देखते हैं। जैसे अगर हम ये एक छड़ माने, एल लंबाई का है, और ये एक सिरे के पैता इस तरह से घूम रहा है, तो एक सेकेंड में जितना ये एरिया स्वीप करेगा, उस एरिया का बी में अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर निकालना है एक सेकेंड में स्वीप किया गया क्षेत्रफल। अगर हम इसको निकाल लेते हैं, उसी में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का गुणा कर देते हैं, तो वो फ्लक्स में परिवर्तन का दर हो जाएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन का दर क्या होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होता है। तो इसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू हम लिखते हैं 2πn। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। यानी n क्या है, इस छड़ का एक सेकेंड में जितना चक्कर होगा वो n है। तो एक चक्कर में जितना एरिया तय करेगा उसमें n से गुणा कर देंगे, तो n चक्कर में उतना एरिया तय करेगा, यानी एक सेकेंड में उतना एरिया तय करेगा। तो क्या हो जाएगा, छड़ द्वारा एक चक्कर में स्वीप किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई क्षेत्रफल इस वृत्ताकार एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। ये एक चक्कर में है, और एक सेकेंड में यन चक्कर लगा रहा है, क्योंकि आवृत्ति हमको यन मिल गई है। तो क्या लिखेंगे, एक सेकेंड में एन चक्कर में स्वीप किया गया एरिया क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई एल स्क्वायर, और एन का मान हमारे पास ओमेगा अपॉन 2π है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः ए इजक्वल टू एन इंटू पाई एल स्क्वायर, या कह लें ए इजक्वल टू एन की जगह लिखेंगे ओमेगा अपॉन 2π इंटू पाई एल स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। ये एक सेकेंड में स्वीप किया गया एरिया है, और एक सेकेंड में स्वीप किए गए एरिया में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी से गुणा कर दें, तो वो फ्लक्स में परिवर्तन का दर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन का दर, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर बराबर एक सेकेंड में जितना एरिया स्वीप किया गया है, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर गुणे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। तो ये हमारा हो गया हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, अतः क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ई बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर होगा। तो इसको हमने क्या देखा, पहले ओमेगा को हमने देखा, तो ओमेगा के माध्यम से हमने आवृत्ति एन निकाल लिया, यानी एक सेकेंड में ये एन चक्कर पूरा करता है, और एक चक्कर में ये पाई एल स्क्वायर एरिया स्वीप करता है। तो एक सेकेंड में जब वो एन चक्कर लगा रहा है, तो एन से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि एक सेकेंड में कितना एरिया स्वीप करता है। इसी एक सेकेंड में जितना एरिया स्वीप करता है, उसमें हम अगर बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर निकल के आता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम E इक्वल टू हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर सिद्ध करके लिया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 100 mH कुंडली में 50 Hz आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं, कुंडली का प्रेरकत्व L इक्वल टू है 100 mH, और इसको आप हेनरी में लिखें, क्या लिखेंगे, 100 × 10⁻³ - 3 हेनरी, और आपके सामने N आवृत्ति N इक्वल टू 50 Hz दी गई है। आपसे पूछा गया कि XL क्या होगा, XL इक्वल टू आप जानते हैं ओमेगा L होता है, और ओमेगा आप जानते हैं 2πn होता है, और इंटू L होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू 2π इंटू N 50 इंटू L 100
गुड़े 10^-3। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने, पाई इंटू 100 गुड़े 10^-3, ये क्या हो गया 10 पाई आंसर हो गया। तो ये 10 पाई ओम या पाई का मान आप रख सकते हैं 10^3.14 ओम या 31.4 ओम, ये आंसर बन के आएगा हमारा। ये तीसरा क्वेश्चन रहा, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। R इजक्वल टू 4 किलो ओम, L इजक्वल टू 1.5 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव VT इजक्वल टू 15 sin 2000 t + π/3 वोल्ट लगाई जाती है। परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा एवं वोल्टता में कलांतर तथा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए। यदि R का मान 0 हो तो शक्ति कितनी होगी। तो आपके सामने सवाल है, R इजक्वल टू 4 किलो ओम या इसको लिखेंगे 4000 ओम और L इजक्वल टू है 1.5 हेनरी और प्रत्यावर्ती वोल्टेज VT इजक्वल टू 15 sin 2000 t + π/3। ये तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V0 इजक्वल टू 15 वोल्ट, ओमेगा इजक्वल टू 2000 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ से VT इजक्वल टू V0 sin ωt + π/3। तो आगे हम क्या देखते हैं, पहले XL निकालते हैं, XL इजक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा L इजक्वल टू 2000 × L का मान कितना है 1.5 और यहाँ से L करते हैं तो निकलता है 3000 ओम, XL हो गया। ये XL हो गया, ये R हो गया, तो XL और R के सहयोग से हम Z निकालेंगे तो Z इजक्वल टू हो जाएगा √XL² + R² और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा √3000² + 4000² और इसको आप हल करेंगे तो आएगा Z = 5000। ये हमारा प्रतिबाधा हो गया। आगे आपसे पूछा गया धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान I0 = लिखते हैं V0/Z, तो I0 = क्या हो जाएगा, V0 का मान है 15 वोल्ट यहाँ से और Z का मान है 5000 ओम, तो यहाँ से हल करेंगे आप तो आ जाएगा 3 × 10^-3 एम्पियर। ये पहला आंसर हो गया धारा का शिखर मान। दूसरा पूछा गया आपसे कि धारा एवं वोल्टता में कलांतर, तो कलांतर को निकालने के लिए अगर हम टैन फाई, जहाँ फाई क्या होता है कलांतर होता है, इक्वल टू लिखते हैं XL/R, तो टैन फाई इक्वल टू हो गया, XL का मान आपके सामने 3000 है और R का मान 4000 है, यहाँ से टैन फाई इक्वल टू हो जाता है 0.75 या फिर कह ले फाई इक्वल टू टैन इनवर्स 0.75। ये आपका कलांतर हो गया। फिर पूछा गया है कि प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए, यदि R का मान 0 हो तो शक्ति क्या होगा। तो प्रयुक्त शक्ति, तो अगर हम P का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे VRMS × IRMS × cos φ, तो VRMS को लिखेंगे V0/√2 × I0/√2, IRMS के लिए लिखेंगे × cos φ और cos φ का मान होता है R/Z, cos φ का मान होता है R/Z, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने P = V0 यहाँ से 15 वोल्ट / √2 × I0, ये 3 × 10^-3/√2 × cos φ का मान है R का मान है 4 और Z का मान है 5। तो यहाँ से आप अगर हल करें तो ये हो जाएगा 5 / 15 और ये हो जाएगा 36 × 10^-3/2 और यहाँ से हो गया हमारे सामने 18 × 10^-3 वाट, 18 × 10^-3 वाट। तो ये हो गया पावर। अब फिर पूछा गया है कि यदि R का मान 0 हो, अगर R का मान 0 है तो cos φ = क्या लिखेंगे, cos φ = R/Z होता है, तो यहाँ से cos φ = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R का मान 0 है। तो अब
पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये हो जाएगा। और कॉस फाई का मान क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यानी आर का मान शून्य हो तो पावर शक्ति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा सवाल रहा जिसमें प्रतिबाधा जेड इक्वल टू निकाला गया, धारा का अधिकतम मान शिखर मान 3 × 10⁻³ निकाला गया, पावर निकाला गया, और अंत में पावर तब निकाला गया जब आर का मान जीरो रहा। तो ये हमारा चौथा सवाल रहा। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, इनकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो आइए देखते हैं इसको। पांचवा सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी है जिसके अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO बराबर 60 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी FE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो पहले आपसे पूछा गया आवर्धन क्षमता M इक्वल टू क्या होगा, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए फॉर्मूला होता है M इक्वल टू FO अपॉन FE। तो FO का मान है 60 और FE का मान है 5, तो क्या हो जाएगा, 12। आवर्धन क्षमता तब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो FO बाई FE के हिसाब से 12 आएगा। और आवर्धन क्षमता तब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है M इक्वल टू FO अपॉन FE रहता ही है 1 प्लस FE अपॉन D हो जाता है। यहाँ D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M इक्वल टू FO का मान 60, FE का मान 5, 1 प्लस FE का मान 5 और D का मान 25। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या हो गया हमारे पास, M इक्वल टू 60 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 5। क्या हो जाएगा, M इक्वल टू 60 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5। क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 1.2, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 14.4। तो ये हो गया आवर्धन क्षमता तब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो ये हमारे पांच सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह के सवालों को हम लेकर के बार बार आते रहते हैं जिससे कि आपका लाभ होता रहे। तो आज बस इतना ही, आगे फिर हम इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।